और आइए आगे बढ़ेंगे। अब बारी है उन खबरों की जो सेट करने वाली हैं आज का एजेंडा यानी कि पॉलिटिकल कैलेंडर। और इसमें सबसे पहली खबर यह है, पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है और अब से थोड़ी ही देर के बाद पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन करेंगे। निवेश के इस मेले में 34 देशों के 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके को कैसे बेहद भव्य और दिव्य बनाया जाए और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंतजामों की तैयारी के लिए आज सुबह 11 बजे अयोध्या में संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आज महाराष्ट्र की सियासत में भी बड़ा दिन है, देखिए, क्योंकि आज शिवसेना बनाम शिवसेना उद्धव बनाम शिंदे की लड़ाई में फैसले की घड़ी है। इसके अलावा देखिए अगली खबर आपको बताएं, और अगली खबर यह है कि नजरें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर भी रहेंगी। लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर में परचम लहराने के बाद रणनीति बनाने के लिए जेपी नड्डा असम पहुंच चुके हैं और आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो अहम बैठक करने वाले हैं और कल अरुणाचल प्रदेश भी वो जाएंगे। तो ये वो तमाम खबरें रहेंगी जो सेट करेंगी आज का एजेंडा और इन्हीं खबरों पर रहने वाली है आज नजर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।